जादुई बाज, शेर और भयानक शैतानी भेड़िया। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल बहुत ही सुंदर था। उसमें कई सारे जानवर थे जो मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु था। उसे हमेशा अपनी प्रजा की चिंता रहती थी। जंगल में अमन और शांति बनाए रखने में वो किसी तरह की कमी नहीं करता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन एक शैतानी भेड़िया उस जंगल में आता है। भेड़िये के पास कई सारी शैतानी शक्तियाँ थी, जिससे वो बड़ी ही बेरहमी से जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाता था या फिर उन्हें घायल करके छोड़ देता था। जानवरों को खाकर भेड़िया अपने मन में सोचता है, अरे वाह, यहाँ के जानवर तो बड़े ही मजेदार है। और तो और, यहाँ इतने सारे जानवर है कि यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। अब जब तक इस जंगल के सारे जानवर खत्म नहीं हो जाते, तब तक मैं यही रहूंगा। ये सोच कर वो जानवरों पर टूट पड़ता है। जानवर शैतानी भेड़िये को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। भेड़िया था कि उनका पीछा कर उन्हें अपनी शक्तियों से अपनी ओर खींचता और उनका शिकार करता। बेचारे जानवर अचानक आए इस मुसीबत को देखकर डर के मारे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। भोजन ढूंढना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। जब ये बात राजा शेर को पता चली तो वो भेड़िये से लड़ने उसके पास जाता है। शेर और भेड़िये के बीच जमकर लड़ाई होती है। शेर शैतानी भेड़िये की शक्तियों के सामने कुछ नहीं कर पाता, वो घायल हो जाता है। तब वो अपने मन में सोचता है, इस शैतानी भेड़िये के पास बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ है, मेरी ताकत इसके सामने काम नहीं कर रही है। मुझे अपने जानवरों की जान बचाने के लिए अभी यहाँ से जाना होगा और इसका उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो ये अपनी शक्तियों से मुझे भी मार डालेगा और जंगल को भी शमशान बना देगा। ये सोचकर शेर भेड़िये से बचकर वहाँ से भाग जाता है। शेर को यूं भागता देख भेड़िया जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे देखो, ये शेर कैसे बिल्ली की तरह भाग रहा है। बड़ा आया मुझसे लड़ने वाला। अरे मुझसे ताकतवर तो इस पूरी धरती पर ना ही कोई है और ना ही कोई होगा। यूं भेड़िया अपनी ताकत पर इतरा रहा था। दूसरी ओर शेर भागता हुआ काफी दूर चला जाता है। वो बहुत घायल था। वो अपने मन में सोचता है, हे वन देवता, ये कैसी मुसीबत टूट पड़ी है मेरे जंगल पर। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने जानवरों की रक्षा करूं? मुझे कोई रास्ता बताओ। यूं शेर सोच रहा था कि तभी वहाँ हथनी आती है। महाराज, अब इस मुसीबत से निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो जादुई बाज है। अगर हमें उस जादुई बाज की मदद मिल गई तो हम उस शैतानी भेड़िये को मार सकते हैं। कहाँ है वो जादुई बाज? जल्दी बताओ, मैं जाकर उससे मदद मांगूंगा। महाराज, यहाँ से कुछ मील दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जिसकी चोटी पर वो जादुई बाज रहता है, मगर वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। उस पहाड़ी के चारों ओर बड़े बड़े अजगर है जो किसी भी जानवर की हड्डियों को एक पल में चकनाचूर कर सकते है। और तो और, उस पहाड़ी के पास एक बड़ा सा दलदल है जिसमें जो कोई भी गिरता है उसे बचने का मौका नहीं मिलता। यहाँ यूं जंगल को बर्बाद होते देखने से अच्छा है कि मैं वहाँ जाकर मौत को गले लगाऊं या मदद पाकर अपने जानवरों की जान बचाऊं। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। शेर पहाड़ी के पास पहुँचता है जहाँ बड़े बड़े अजगर थे। शेर उन सब से बचकर आगे बढ़ रहा था कि तभी एक बड़ा सा अजगर शेर को रोकते हुए कहता है, अरे ओ शेर, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी जो तू हम सबसे बचकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस चला जा, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मुझे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे अपने जानवरों की रक्षा करनी है। वो सब मुसीबत में है, उनकी जान खतरे में है। लेकिन जब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम क्या उनकी रक्षा करोगे? ये कहकर अजगर शेर पर हमला करने ही वाला था कि तभी जादुई बाज वहाँ प्रकट होता है। बाज के प्रकट होते ही सारे अजगर गायब हो जाते हैं। ये देख शेर चौंक जाता है। तब बाज कहता है,
जंगल और जानवरों के प्रति तुम्हारा लगाव देखकर मन खुश हो गया। उस शैतानी भेड़िए को मारने मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने शरीर को तुम्हारे शरीर से जोड़ लूंगा। ये कहकर बाज अपने शरीर को शेर के शरीर से जोड़ लेता है और शैतानी भेड़िए के पास जाता है। भेड़िया शेर के इस रूप को देखकर डर जाता है। अरे ओ भेड़िए, शक्तियों का होना तो वन देवता का वरदान है। उसे जंगल की रक्षा के लिए उपयोग करना चाहिए, ना कि कमजोरों पर उसका प्रयोग करना। ये कहकर बाज शेर भेड़िए पर हमला करता है। भेड़िए की शक्तियाँ बाज शेर के सामने काम नहीं करती और वो मारा जाता है। शेर और बाज अपने अपने रूप में आ जाते हैं। शेर और बाकी के जानवर बाज का धन्यवाद करते हैं। बाज वहाँ से गायब हो जाता है। फिर से जंगल में खुशियाँ छा जाती। बंदर ने खूनी शेर का बदला लिया। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर खान अपनी बीवी शेरनी के साथ रहता था। जंगल के सारे जानवर शेर खान और शेरनी की इज्जत करते थे। शेर खान के राज्य में जंगल बहुत ही शांत और खुश था कि अचानक एक दिन एक खूनी शेर उस जंगल में आता है और बेवजह जानवरों का शिकार करने लगा। कभी वो शिकार करके खा लेता था तो कभी जानवर को घायल करके छोड़ देता था। धीरे धीरे जंगल के जानवर कम होने लगे। इस बात को लेकर जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। शेर खान एक सभा बुलाता है और कहता है, देखो साथियों, खबर मिली है कि पास के जंगल से एक खूनी शेर हमारे जंगल में आया है। सुना है वो बहुत ही खतरनाक है। तुम सब सावधान रहना जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। सारे जानवर घबरा जाते हैं और एक दूसरे से खुसुर फुसुर करने लगते हैं। तब हाथी शेर खान से कहती है, महाराज, हमारे जंगल में आधे से भी ज्यादा जानवर खत्म हो चुके हैं। शायद यही वजह होगी, हमें जल्द से जल्द उस खूनी शेर को पकड़ना होगा, नहीं तो ये जंगल सारा खाली हो जाएगा। नहीं नहीं, हम हमारे जंगल को यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। महाराज, आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए। देखो, जब तक मैं उस खूनी शेर को पकड़ ना लूं, तुम सब शेरनी के साथ पहाड़ की चोटी पर चले जाओ। वो जगह तुम लोगों के लिए सुरक्षित है। मैं जल्द ही खूनी शेर को मारकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके साथ आऊंगी। देखो, तुम एक रानी हो। जितना कर्तव्य राजा का प्रजा पर होता है, उतना ही रानी का भी होता है। तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी होगी। तुम्हें इन्हें लेकर यहाँ से जाना ही होगा। शेरनी और बाकी के जानवर पहाड़ की ओर निकलते हैं। शेर खान खूनी शेर को ढूंढते हुए निकलता है। कुछ दूर जाते ही शेर खान की नजर खूनी शेर पर पड़ती है। देखो, तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ। ये जंगल मेरा है और मेरे जीते जी मैं अपनी प्रजा को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें ही मार देता हूँ। ये कहकर खूनी शेर शेर खान पर हमला करता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। शेर खान खूनी शेर की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब वो हमला भी नहीं कर पा रहा था। तब खूनी शेर कहता है, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मेरे आगे सब बेकार है। अब तुम अपनी आखिरी सांसें गिन लो, मैं चला जानवरों को ढूंढने। खूनी शेर दहाड़ मारते हुए जानवरों को ढूंढने निकलता है। शेर खान दर्द से तड़पता हुआ वन देवता को याद करता है। हे वन देवता, मेरी प्रजा की रक्षा करना, वो मुसीबत में है। शेर खान, सच में तुम एक अच्छे राजा हो। तुम्हारी जान जा रही है, फिर भी तुम्हें अपनी नहीं बल्कि अपनी प्रजा की चिंता है। तुम चिंता ना करो, अब उस खूनी शेर का अंत आ चुका है। मैं उसका अंत करूँगा। तुम? वो कैसे? मैं एक जादुई बंदर हूँ। मुझे वन देवता ने कुछ शक्तियाँ दी है जिससे मैं उस खूनी शेर का अंत कर सकता हूँ। ये सुनकर शेर खान खुश होता है। बंदर अपनी जादुई शक्तियों से शेर खान को ठीक कर देता है। शेर खान और बंदर पहाड़ी के ओर निकलते हैं। तो इधर खूनी शेर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर खूनी शेर को देख शेरनी और बाकी के जानवर चौंक जाते हैं। क्यों चौंक गए?
तुम लोगों ने क्या सोचा कि वो तुम्हारा राजा शेर खान मुझे मार डालेगा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। मैंने ही तुम्हारे राजा शेर खान को मार डाला। अब तुम सब की बारी है। ये सुनकर शेरनी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही खूनी शेर शेरनी पर हमला करने जा रहा था कि शेर खान और बंदर वहाँ आ जाते हैं। जंगल के सारे जानवर और शेरनी शेर खान को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर खूनी शेर शेर खान को देखकर चौंक जाता है। अरे तुम अभी भी जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों पति पत्नियों को एक साथ ऊपर भेज देता हूँ। ये सुनकर बंदर कहता है, खूनी शेर कौन किसे ऊपर भेजेगा ये तो वक्त ही बताएगा, अब तेरा अंत मैं करूँगा। बंदर की ये बात सुनकर खूनी शेर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे ओ बंदर, जब शेर खान ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तू क्या बिगाड़ेगा बे। बंदर अपनी जादू शक्तियों से खूनी शेर पर हमला करता है। खूनी शेर बंदर की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। शेर खान, शेरनी और जंगल के सारे जानवर बंदर का धन्यवाद करते हैं। वो बंदर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर से जंगल के सारे जानवर शेर खान के राज्य में खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं।